Please subscribe the YouTube channel and press the bell icons for never miss an update. तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिया और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे और एक्सप्रेस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो आपके लिए बहुत ही अमेजिंग होगा क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो पे बताऊं तो कल जो मैंने आपको मैट्रिक एनएफटी का जो ऑफर दिया था उस ऑफर के, तो जिन लोगों ने यहाँ पर उस ऑफर को अप्लाई किया था उनका एनएफटी आ चुका है और मैं आपको ऑलरेडी टेलीग्राम के एक शॉर्ट वीडियो बना के दे चुकी हूँ कहाँ पर आपको चेक करना है, और इस पर भी मैं आपको बता दूंगी कैसे चेक करना है और कहाँ पर इसे सेल करना है। तो अगर आप अनलिमिटेड ट्रिक यूज़ करके दो चार अकाउंट पे इस ऑफर को अप्लाई किया हो और सारे अकाउंट पे आपको एनएफटी मिल चुका है, उसे आप एक ही अकाउंट पे कैसे ट्रांसफर कर सकते हो, तो सारा कुछ डिटेल बता। तो साथ में और एक एनएफटी का एयरड्रॉप है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी कैसे आपको करना है, जो कि कल मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पे बता चुकी हूँ, बट जो न्यू यूजर है उनको इस एयरड्रॉप पे ज्वाइन करने में दिक्कत हो रही है तो यहाँ पर मैं इस वीडियो बना। तो चलिए आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पास में जो बेल आइकन है उसे ऑल पर सेट कर लो ताकि इसी टाइप के इंटरेस्टिंग वीडियो को आप मिस ना कर दो। अभी तक आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, फटाफट जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो क्योंकि जो भी छोटे मोटे ऑफर लूट बग या कोई भी अपडेट आता है वो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ से आप फर्स्ट अपडेट रह सकते हो और कोई भी एनएफटी प्रोजेक्ट को यहाँ से आप मिस नहीं कर सकते। तो चलिए आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको मैंने जो कल एनएफटी के बारे में बताया था वो मैट्रिक नेटवर्क के ऊपर था, तो यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि ये ट्रस्ट वॉलेट पे शो करेगा, ये ट्रस्ट वॉलेट पे शो नहीं करेगा क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट पे मैट्रिक सपोर्ट नहीं करता। तो आपको एनएफटी मिला है या नहीं आप कैसे चेक कर सकते हो, ये जो लिंक है लिंक मैं आपको दे दूंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल को आप मस्ट ज्वाइन कर लेना है। तो जिस लिंक पर क्लिक करते हो ये कोई भी एक ब्राउजर पर ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद आपको क्या करना होगा, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद आपको क्या करना होगा, अपने ट्रस्ट वॉलेट को ओपन करना होगा और मैं आपको बताई थी यहाँ पर आप बीएनबी स्मार्ट चेन का एड्रेस देना, तो एड्रेस को यहाँ पर आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। तो आने के बाद यहाँ पर आपको थ्री डॉट मिलेगा, थ्री डॉट पर क्लिक करना और यहाँ पर आपको सर्च बार मिलेगा। इस सर्च बार पे आप अपने जो एड्रेस है यहाँ पर पेस्ट करके सेंटर से सर्च कर देना। जैसे ही सर्च करते हो तो थोड़ी देर यहाँ पर आपको वेट करना है, तो वेट करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना और यहाँ पर आपको मिल जाएंगे ट्रांजेक्शन का ऑप्शन, सेंटर से यहाँ पर क्लिक करना और यहाँ पर आपको टोकन का ऑप्शन मिल जाएगा, सेंटर से टोकन वाला ऑप्शन पर क्लिक करना। जैसे ही टोकन वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हो तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, यहाँ पर आपको एक एनएफटी मिल चुका है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ERC721 टोकन, दैट मीन्स यहाँ पर एक एनएफटी आपको मिल चुका है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिल चुका है और यहाँ से आपको कितना प्रॉफिट होगा वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी कहाँ पर आप इसे सेल कर सकते हो। तो ऐसे ही यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते। तो यहाँ पर आपने चेक कर लिया, यहाँ पर आपको एनएफटी मिल चुका है, उसके बाद यहाँ पर आपको जो एनएफटी मिला है उसे आप सेल कैसे कर सकते हो और ट्रांसफर कैसे कर सकते हो। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप अपने वॉलेट पे कोई भी एक एनएफटी को यहाँ पर होल्ड करते हो तो फ्यूचर में याद रखना फ्यूचर पे आपको फ्री एयरड्रॉप मिलेगा, इस बात को आप ध्यान में जरूर रख लेना। कम से कम एक एनएफटी अपने जो वॉलेट है उस वॉलेट पे जरूर होल्ड करना क्योंकि रिसेंटली एक एयरड्रॉप मिला था पेंट का, जहाँ पर जिनके एनएफटी था सिर्फ उन्हीं को ही यहाँ पर क्लेम करने का मौका मिला था। तो मस्ट यहाँ पर आप ट्राई करना एक एनएफटी अपने वॉलेट पे होल्ड करना। तो यहाँ पर देखो लिंक को आपको सबसे पहले कॉपी कर लेना है और आ जाना है अपने ट्रस्ट वॉलेट पे। ट्रस्ट वॉलेट पे आ जाने के बाद यहाँ पर आपको डीएफ का एक ऑप्शन मिलेगा, तो डीएफ वाला ऑप्शन पर क्लिक करना और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद देखो यहाँ पर इसे कनेक्ट करने देते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ईटीएस नेटवर्क के ऊपर इसे आपको कनेक्ट करना है। कनेक्ट हो जाने के, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको एक आरो का निशान शो करेगा, सिंपल से यहाँ पर क्लिक करना। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको अकाउंट का एक ऑप्शन मिलेगा, सिंपल से अकाउंट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना। उसके बाद माय प्रोफाइल वाले सेक्शन पर आ जाना। जैसे ही माय प्रोफाइल वाले सेक्शन पर आ जाते हो तो आपके वॉलेट में जो एनएफटी है वो भी यहाँ पर आपको शो कर जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एनएफटी आपको शो कर जाएगा। तो इस एनएफटी को आप अभी चाहो तो सेल कर सकते हो, कब सेल होगा मुझे पता नहीं, तो यहाँ पर आप सेल ऑर्डर लगा सकते हो, कभी भी ये सेल हो सकता है। सेल करने के लिए सिंपल से ये एनएफटी पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेल का ऑप्शन आपको शो कर जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो सेल वाला ऑप्शन पर क्लिक करना और यहाँ पर आप इसे सेल कर सकते हो। साथ में यहाँ पर इसका जो यहाँ पर प्राइस वगैरह है यहाँ पर आप प्राइस वगैरह देख सकते हो, कितने ईटीएस वगैरह पे यहाँ पर आप सेल करना चाहते हो इससे। तो इसे सेल ऑर्डर लगा से यहाँ पर सेल पर क्लिक करके यहाँ पर कुछ फीस आपको देना होगा, फीस देने के बाद यहाँ पर ये आपका सेल ऑर्डर पर लग जाएगा। तो थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पर प्राइस वगैरह आप देख सकते हो, लिस्टिंग वगैरह और साथ में मार्केट पर यहाँ पर कितने पे सेल हो रहा है वो सारा कुछ डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हो। इस एक बंदे ने इस जो एनएफटी है इसे 0.3 ईटीएस में सेल कर दिया, तो उसका प्राइस क्या बनता है मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। सेल नहीं किया है, बस सेल ऑर्डर लगा लिया है, तो 0.3 ETH का प्राइस यहाँ पर हम देख लेते हैं कितने इंडियन रुपीस में होते हैं। तो 0.3 ETH का प्राइस यहाँ पर लगभग 61K, तो यहाँ पर देख सकते हो 0.3 ETH पे ये जो एनएफटी है वो सेल ऑर्डर पे लगा हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पर 61K रुपीस पे ये सेल ऑर्डर पे लगा हुआ है। अगर चाहते हो तो यहाँ पर आप सेल ऑर्डर इसे लगा सकते हो, पर अपने मर्जी से यहाँ से आप सेल ऑर्डर लगाना कितना। यहाँ पर देख सकते हो ये 0.3 पे लगा हुआ है, ये 1.03 पे लगा हुआ है और साथ में यहाँ पर 0.1, ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे बंदे ने यहाँ पर इनका जो सेल ऑर्डर वो लगा लिया है, तो यहाँ पर आप देख लेना आपको कितने पे लगाना है, वहाँ से आप लगा लेना।
तो उसके बाद अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हो एक अकाउंट पे, तो यहाँ पर गिफ्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपल से गिफ्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना और अपने दूसरे अकाउंट का जो एड्रेस है यहाँ पर आपको फिल कर देना है। उसके बाद ट्रांसफर पर क्लिक करना है और जितने भी आपने अनलिमिटेड अकाउंट वगैरह बनाया है तो उस अकाउंट से सारे मेन अकाउंट पर यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हो। तो ऐसे ही यहाँ पर आप NFT को यहाँ पर सेल कर सकते हो। तो यहाँ पर आप सोच सकते हो एक NFT अगर यहाँ पर उस बंदे ने 0.3 ETH पे यहाँ पर सेल ऑर्डर लगाया, अगर ये सेल हो जाता है तो 61K रुपीज़ का उसका प्रॉफिट हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट का काम था जो वो कर लिया, तो उसके बाद यहाँ पर 61K रुपीज़ का उसका प्रॉफिट निकल सकता है। तो सेकेंड ऑफर जो है वो भी सेम NFT का ऑफर है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर फ्री आपको पिक्सेल लॉर्ड NFT मिलेगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा टैक्स करना होगा और यहाँ पर आपको इंस्टेंट के इंस्टेंट NFT नहीं मिलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। अगर कुछ भी अपडेट आता है मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट दे दूंगी। उसके लिए कुछ सिंपल टैक्स आपको करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको तीनों टैक्स मिलेंगे जो कि आपको एक एक पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ट्विटर पर रिडायरेक्ट कर देगा। ट्विटर पर जाना है और उनको फॉलो करना है। तो सिंपल से मैं ओपन कर लेती हूँ ट्विटर को, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ट्विटर ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद सिंपल से यहाँ पर उनको फॉलो कर देना है और जो भी पोस्ट आपको मिलेगा वो पोस्ट को आपको लाइक करना है और रीट्वीट। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो पोस्ट को लाइक करना है और रीट्वीट करना है, बस इतना ही करना है। और यहाँ पर आपको उन्हें फॉलो कर लेना है, सिंपल से थ्री डॉट पर क्लिक करना है। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद ऊपर ही आपको मिल जाएगा फॉलो का ऑप्शन, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो सिंपल से यहाँ पर क्लिक करके फॉलो कर लेना है। बस ऐसे ही तीनों टैक्स को आपको कंप्लीट कर लेना है। ये करने के बाद उसके बाद यहाँ पर आपको न्यूयॉर्क का एक वॉलेट क्रिएट करना होगा। यहाँ पर आप कोई भी एक्सचेंज या वॉलेट का एड्रेस नहीं दे सकते हो, तो इनका खुद का वॉलेट को आपको क्रिएट करना होगा। उसके लिए यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, सिंपल से लिंक पर क्लिक करना है। लिंक पर जैसे ही क्लिक करते हो ये आपको ब्राउजर पे रिडायरेक्ट कर देगा। ब्राउजर पे आने के बाद सिंपल से यहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट करना है, आपको सामने शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आप अपने नाम दे सकते हो, जैसे कि मेरा जो नाम है वो डाल दिया। तो यहाँ पर देख सकते हो ऑलरेडी टेकन है, तो यहाँ पर मैं और कुछ दे देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये दे दिया। ये देने के बाद क्रिएट अकाउंट पर आपको क्लिक करना है। तो उसके बाद जैसे ही क्रिएट अकाउंट पर क्लिक हो गए तो यहाँ पर आपको दो इनका टर्म एंड कंडीशन मिल जाएगा, उसे एग्री करना है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पर आप अपने अकाउंट को पहले सिक्योर करना होगा। सिक्योर करने के लिए यहाँ पर आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, तो चार ऑप्शन में से यहाँ पर आप रिकवरी फेज यूज़ कर सकते हो या तो यहाँ पर लेजर नानो एक्स इसे यूज़ करते हो। तो उसके बाद आ गया यहाँ पर मेल रिकवरी, उसके बाद फोन रिकवरी, ये यूज़ कर सकते हो। मैं तो रिकमेंड करूँगी और ये वेबसाइट भी यही रिकमेंड कर रहा है। यहाँ पर रिकवरी फेस को आप यहाँ पर सिलेक्ट करो। तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू करती हूँ, आप अपने देख लेना क्या करना होगा। तो यहाँ पर आपको 12 वार्ड मिल जाएंगे रिकवरी का, तो इसे आप कहीं पे भी सेव कर लेना। तो चलिए सबसे पहले मैं इसे सेव कर लेती हूँ। तो ये जैसे ही सेव कर लेते हैं उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना। उसके बाद यही पूछ रहा है यहाँ पर 8 नंबर का जो वार्ड था वो यहाँ पर आप लिख लो। तो यहाँ पर 8 नंबर का जो वार्ड था वो मैं यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर आपको कैचअप पूछेगा, कैचअप यहाँ पर आपको फिल कर देना है। तो जैसे ही कैचअप फिल कर लेते हो तो यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करना। उसके बाद वेरीफाई एंड कंप्लीट पर क्लिक करना। यहाँ पर आपका जो अकाउंट है वो इंस्टेंट के इंस्टेंट क्रिएट हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मेरा अकाउंट जो क्रिएट हो चुका है और मुझे 0.01 नियर टोकन वो ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल चुका है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे मिल चुका है। और यहाँ पर आपको जो शो कर रहा है ये रहेगा आपका जो अकाउंट यानी कि जो एड्रेस रहेगा वो ये रहेगा आपका एड्रेस। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर रिसीव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। रिसीव वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इसे आपको कॉपी कर लेना है। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसे कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी हो जाने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको आ जाना है बाइनांस पे। बाइनांस पे आने के बाद अगर आपके पास कुछ भी टोकन वगैरह है तो आपको क्या करना होगा, बाइनांस पे जाके आपको एक नियो टोकन आप बाय कर सकते हो। मिनिमम वहाँ पर बहुत ही कम है, यहाँ पर आपको मिनिमम 0.2 समथिंग यहाँ पर आपको नियो टोकन आप वहाँ पर विड्रॉ कर सकते हो। तो मैं सजेस्ट करूँगी यहाँ पर एक या दो नियो टोकन आप बाय कर लेना। उसके बाद इस एड्रेस पर आपको सेंड करना है जो स्क्रीन पर आप साइड पर देख सकते हो, साइड पर ऐसे ही आपको सेंड करना है। एड्रेस की जगह एड्रेस फिल करना है तो ऑटोमेटिकली ये सारा कुछ डिटेल ले जाएगा। उसके बाद डिटेल डालने के बाद यहाँ पर आपको विड्रॉल कर देना है। विड्रॉल करने के बाद थोड़ी देर में यहाँ पर आपका जो नियर टोकन है वो यहाँ पर आ जाएगा। आने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक ट्विटर हैंडल आपको मिलेगा, सिंपल से यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये आपको ट्विटर पर रिडायरेक्ट करेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना, तो यहाँ पर सबसे पहले इनको फॉलो कर लेना है। फॉलो करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है इनके पिन पोस्ट पे। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो इसका पिन पोस्ट पे आपको आ जाना है। उसके बाद इसे लाइक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको रीट्वीट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर कमेंट पे आ जाना है। कमेंट पे आने के बाद कुछ एक नाइस प्रोजेक्ट ऐसे कुछ कमेंट दे देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो वॉलेट एड्रेस पूछ रहा है तो यहाँ पर आपको वॉलेट लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर तो उसके बाद अपने जो एड्रेस को कॉपी किया था वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो एड्रेस सही से यहाँ पर आप फिल करना है। तो यहाँ पर ऐसे ही आपका ये जो एड्रेस रहेगा ऐसे ही आपको फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ हैशटैग मिलेगा, इस हैशटैग को आपको कॉपी कर लेना है। यहाँ से कॉपी करने के बाद सिंपल से यहाँ पर पेस्ट कर देना है। सो यहाँ पर आपको ऐसे ही कुछ लिखना है। तो यहाँ पर लिख लेना माई नियर वॉलेट, लिख के यहाँ पर आप अपने वॉलेट एड्रेस फिल कर देना। उसके बाद रिप्लाई पर क्लिक कर देना, बस इतना ही आपको काम करना होगा। और अपने एड्रेस को एक्टिवेट करने के लिए आपको मस्ट नियर टोकन को आपका जो वॉलेट है इस वॉलेट पे आपको ऐड करना होगा, तभी यहाँ पर आपको कुछ मिले, वरना यहाँ पर आपको कुछ भी NFT वगैरह नहीं मिले। तो ये बात को आप ध्यान में रखना है। तो बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को आपको मिस नहीं करना है। फ्यूचर में आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट ये दे सकता है, तो इसे आप मिस नहीं।
तो अभी नियो टोकन, एक नियो टोकन का प्राइस लगभग $3 से $4 के अंदर है, तो आप यहाँ पर एक दो नियो टोकन जरूर बाय करके रख लेना, फ्यूचर में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट ये दे सकता है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को अपने तरफ से लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट और फर्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।